हम सतगुरु कबीर आश्रम कालिंदी नगर यहाँ पर उपस्थित हम है और आपको मिलाते हैं बाबा से। यहाँ पर बाबा अपने हाथों से आप देख रहे मेहनत करके ये मिट्टी भराई कर रहे हैं और बाबा से मिलते हैं और इस ब्लॉग वीडियो के साथ। प्रणाम बाबा। ये जो नवनिर्माण जो कब से बनकर तैयार हो जाएगा? ये देखिए ये कहा नहीं जा सकता है, ये 10 आदमी का सहयोग है और सबके सहयोग के द्वारा ये हो रहा है। ये 75 साल पुराना आश्रम है, ये सतगुरु कबीर आश्रम समस्तीपुर रोसरा गद्दी को समर्पित है और यह जो भूदाता है लाला दास, उन्होंने ये गद्दी रोसरा को समर्पित किया है। वहीं के द्वारा मैं यहाँ पर आया हूँ, वहीं के अभी वर्तमान महंत सदगुरु श्री विद्यानंद साहब के द्वारा यहाँ पर महंती दी गई है। उन्हीं के आज्ञानुसार यहाँ का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और यहाँ के समाज कालिंदी नगर के और ये तमाम इलाके के समाज मिल करके इसका जीर्णोद्धार किया है और यह कार्यक्रम जो विकास का हो रहा है ये सभी के सहयोग के द्वारा हो रहा है। सभी को इसमें सहयोग दे रहे हैं और जनप्रतिनिधिगण भी इनमें लगे हुए हैं, उनका भी भरपूर मात्रा में सहयोग है। और यह जो आप कार्य देख रहे हैं ये 2 रूम का निर्माण हुआ है तत्काल, और भी हमारे माननीय विधायक जी बोले हैं कि इसमें हम भी सहयोग करेंगे और देखते हैं उनका कब कार्य शुरू होता है। और ये समाज के द्वारा और हमारे वर्तमान जिला परिषद रिक्कू कुमार जी का सहयोग है और समाज का सहयोग है, सबके सहयोग से आरंभ है और इसकी ढलाई हमारे वर्तमान जिला परिषद रिक्कू कुमार सिंह के द्वारा ये संपन्न होगा और आज से कल तक में इसका सेटरिंग लगेगा लिंटर का, उसके बाद फिर लिंटर की ढलाई होगी, उसके बाद छत की भी ढलाई होगी और रिक्कू कुमार जी उसमें भरपूर मात्रा में सहयोग दे रहे हैं और इनके लिए मैं लाखों धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ सतगुरु कबीर आश्रम की ओर से। आप इस ब्लॉग वीडियो के साथ जानकारी ले लिए सतगुरु कबीर आश्रम कालिंदी नगर का और आप देख रहे हैं कबीर आश्रम बनकर तैयार हो गया है और कुछ काम अभी बाकी है और ये सेटरिंग होगा उसके बाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आप देख रहे लहलाता हुआ खेत, यह सतगुरु कबीर आश्रम का ही ज़मीन है और आपको दिखाते हैं इस वीडियो के साथ यहाँ पर कहाँ पर बाबा प्रवचन करते हैं और आपको दिखाते हैं इस वीडियो के साथ। लगातार बने रहिए।